Anjali, welcome to my channel. और आज मैं आपको बताने वाली हूँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपके टर्म वन एग्जाम्स के लिए. यस, तो सितंबर शुरू हो गया बेटा, सिर्फ 2 months रह गए हैं. नवंबर में किसी भी टाइम आपका फर्स्ट टर्म वन जो है उसका बोर्ड एग्जाम हो सकता है, एंड जिसमें आपको आएंगे MCQs for 35 marks in IB subject, क्योंकि 35 हमारा थ्योरी है, 15 हमारा प्रैक्टिकल है, राइट? सो 35 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे कवरिंग द सिलेबस ऑफ टर्म वन. सो आपकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, कैसे आप इसको पूरा प्रिपेयर करोगे अच्छे से कि आपके 35 आउट ऑफ 35 आए, उसमें से एक नंबर भी इधर उधर नहीं होना चाहिए. दैट इज वॉट आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो. अलॉन्ग विद दैट मैं जल्दी ही आपको प्रैक्टिकल्स के लिए भी पूरा सेशन प्रोवाइड करूंगी, क्योंकि वो 15 जो है नंबर वो भी इंपॉर्टेंट है, तभी 100 आएंगे ना. सो 35 इसमें से चाहिए और 15 हमें प्रैक्टिकल में से भी चाहिए. सो वी विल बी वर्किंग फॉर बोथ ऑफ दीज, हमें दोनों में पूरे मार्क्स चाहिए. सो आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द कंप्लीट कंटेंट ऑन दैट, राइट? सो अभी हम पहले बात करते हैं थ्योरी की इस वीडियो में. सो 35 आउट ऑफ 35 इन टर्म वन के लिए आप क्या करेंगे. चैनल पे मेरी पूरी प्लेलिस्ट है, ठीक है? आई हैव माई प्लेलिस्ट जिसके अंदर पूरा सिलेबस कवर हुआ हुआ है, ठीक है? सो इफ यू लुक इन द प्लेलिस्ट सेक्शन, आपको क्लास 12th आईपी 2021-22 वाली जो प्लेलिस्ट मिलेगी, ठीक है, उसके अंदर वी हैव कंप्लीट टर्म वन सिलेबस. अगर आप पिछले साल वाली वीडियोस को भी रेफर करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सिलेबस सेम है, जो रिडक्शन है वो सेम है जो लास्ट ईयर थी और इस ईयर है. सो मैं एक बार आपको फिर से टॉपिक्स बता देती हूँ आपको क्या क्या है आपके टर्म वन में. सो दिस इज योर CBSE सिलेबस फॉर इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, राइट? दिस इज क्लास 11. जब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हम पहुंचते हैं क्लास 12th के सिलेबस पे. सो दिस इज योर टर्म वन, डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास एंड डेटा विजुअलाइजेशन, जो कि 25 नंबर का आएगा, और सोसाइटल इम्पैक्ट जो कि आपको 10 नंबर का आएगा, ठीक है? सो ये मेजर जो क्लासिफिकेशन है वो ये है. अब अगर हम डिटेल में जाके देखें, सो डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास वन आपके सिलेबस में है. आपको याद होगा जो पहले सिलेबस आया था तो उसमें डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास टू भी था. काफी बच्चे कंफ्यूज हैं कि मैम वो भी स्कूल में करा रहे हैं, बेटा वो पेपर में नहीं आएगा. CBSE has told कि वो रिड्यूस हो चुका है. दिस इज योर टर्म वाइज सिलेबस नया वाला. सो कंफ्यूज होने वाली कोई बात ही नहीं है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा. आपको पिछली बार कंफ्यूजन क्यों थी, क्योंकि एक सिलेबस दिया गया था और फिर एक रिड्यूस टॉपिक्स की लिस्ट दी गई थी, तो हम उसमें से माइनस माइनस कर रहे थे कि अच्छा ठीक है ये नहीं आएगा. बट नाउ यू हैव क्लियरली योर सिलेबस इन फ्रंट ऑफ यू कि टर्म वन में ये टॉपिक्स हैं, टर्म टू में ये टॉपिक्स हैं, तो कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है, राइट? सो टर्म वन के जो टॉपिक्स हैं वो क्या है, डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास वन, जिसमें इंट्रोडक्शन टू पाइथन लाइब्रेरीज, पांडास, मैटप्लॉटलिब, फिर सीरीज पे आप कैसे ये सारे काम करते हो, एक एक काम आपको आना चाहिए जो जो यहाँ मेंशन है, ठीक है? क्रिएशन ऑफ सीरीज फ्रॉम डिक्शनरी, फ्रॉम स्केलर वैल्यू, उस पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैसे होते हैं, जैसे कि सीरीज को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करते हैं, सीरीज के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, हेड एंड टेल फंक्शन क्या करता है, कैसे हम स्लाइसिंग की हेल्प से या बूलियन इंडेक्सिंग की हेल्प से सिलेक्शन करते हैं, इंडेक्सिंग कैसे होती है, ये सब आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए इन डेप्थ, क्योंकि MCQ में कहीं तक भी जा सकते हैं. डेटा फ्रेम, क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम्स फ्रॉम डिक्शनरी ऑफ सीरीज, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज, टेक्स्ट एंड CSV फाइल्स को कैसे रीड करते हैं, डिस्प्ले कैसे करते हैं डेटा फ्रेम में, आइट्रेशन कैसे होती है, रोज कॉलम पे डिफरेंट ऑपरेशंस, जैसे कि एक नई रो को ऐड करना जिसमें दो मेथड्स हैं आपके पास, इंसर्ट और अपेंड, आपको दोनों आने चाहिए, फेच कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, रीनेम कैसे करते हैं, बूलियन इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग यूजिंग लेबल्स. सो दिस ऑल यू शुड नो जो यहाँ पर मेंशन है, और मैंने ये सारे टॉपिक्स आपको करवाए हुए हैं, ठीक है? उसके बाद है डेटा विजुअलाइजेशन, दिस इज योर मैटप्लॉटलिब, ये भी हमने कवर कर लिया है, वी हैव डन दिस ऑल्सो. वी आर लेफ्ट विद ओनली वन चैप्टर, दैट इज सोसाइटल इम्पैक्ट, वो आपको आज और कल में मिल जाएगा, ठीक है? सो वो आपको पूरा मिल जाएगा. सो सिलेबस हमारा ऑलमोस्ट डन है, सिलेबस इज ऑलमोस्ट डन. अब बात आती है कि MCQ भी कैसे करें. मैम पढ़ तो लिया, समझ भी आ गया, ठीक है, सीरीज ये है, डेटा फ्रेम ये है, मैटप्लॉटलिब ये है, जो आपने पढ़ाया हमने पढ़ लिया, हमें समझ भी आ गया, हमने प्रैक्टिकल करके देखा, हाँ चल भी रहा है प्रोग्राम, बट व्हाट अबाउट MCQs, है ना? पिछले साल के पेपर्स देखोगे तो MCQ तो मिलेंगे नहीं. अब क्या करेंगे हम? हम कुछ नहीं करेंगे, हम मैम की क्लासेस अटेंड करेंगे. सो व्हेन मैम इज देयर नॉट टू फेयर, है ना? सो आई हैव ऑर्गेनाइज्ड स्पेशल क्लासेस फॉर यू.
आई हैव ऑर्गेनाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, हफ्ते में दो होंगी, लाइव क्लासेस होंगी. सो लाइव क्लासेस एब्सोल्यूटली फ्री, यू डोंट हैव टू पे अ सिंगल पेनी फॉर दिस. अपना इंटरनेट देख लो भैया, वो बचा के रखना, चाहे आपके पास वाईफाई हो या मोबाइल डेटा हो, दैट इज द ओनली थिंग विच यू हैव टू पे फॉर इट, बट अदरवाइज आपको कुछ भी पे नहीं करना है. एंड यू आर गोइंग टू गेट MCQs for your CBSE, that too from an educator who has 16 years of experience in teaching these subjects in CBSE. But yeah, if I want, I can charge any amount for this and students will still enroll. But I'm providing you all this for free. But sirf itni si cheez hai ki ye jo sari cheez hai aapko milengi, ye main live YouTube pe nahi lungi, ye main live lungi Unacademy pe. I don't know bachche kyun hesitate karte hain kai baar ki ma'am Unacademy pe humse join nahi hota. बेटा अनअकैडमी पे ज्वाइन करना कोई हवा नहीं है, आपको सिर्फ उसकी ऐप डाउनलोड करनी है. आई एम अ प्लस एजुकेटर ऑन अनअकैडमी, राइट? यू जस्ट हैव टू डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप विच इज एब्सोल्युटली फ्री. जब आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करोगे अपने फोन पे, या अगर आप कंप्यूटर से कर रहे हो तो आपको डायरेक्टली सिर्फ अपने लैपटॉप पे साइट को खोलना है, ठीक है? आप अनअकैडमी ऐप खोलेंगे, वहां पे अंजलि लूथरा सर्च करेंगे, यू आर गोइंग टू गेट दिस प्रोफाइल. अब सबसे पहली बात तो जब आप लॉग इन करते हैं आपके पास एक ओटीपी आता है, तो ओटीपी से कोई वो आपके पैसे तो ले नहीं रहे, वो सिर्फ आपके फोन पे एक ओटीपी आएगा. वो तो आप स्विगी से ऑर्डर करते हो तो भी ओटीपी आता है ना. सो ओटीपी कम्स एनी हाउ. सो ओटीपी इज टू कंफर्म कि जो बंदा है वो जेन्युइन है या नहीं. जैसे नेट पे कैप्चा आता है ना टू कंफर्म कि रोबोट तो नहीं है, इंसान ही है, तो वही चीज कंफर्म करते हैं हम कि भाई जो अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर रहा है वो एक वैलिड यूजर है, उसके पास एक्चुअली में वो फोन नंबर है जो फोन नंबर वो डाल रहा है. So just to check the validity of the person, the OTP comes, one time password, right? So you will enter that and आपका login हो जाएगा. आपका login हो गया आपके phone number से, फिर वो आपसे पूछेगा कि एक referral code enter करो. So it will ask you to enter a referral code जिसकी help से आप Unacademy पे कोई भी free resources देख सकते हो. And वो आपका referral code होगा AL coders. All capitals में भी लिख सकते हो, all small में भी लिख सकते हो. Better I write it in all capitals, AL coders, right? No space. AL coders आप referral code में enter करेंगे, उसके बाद आप Unacademy पे कोई भी class जो free चल रही है वो देख सकते हो. तो मेरी तो देख ही सकते हो, पर अगर आपके पास और दूसरे जो भी subjects हैं, like eco है, maths है, business studies है, accounts है, सबकी classes होती हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरी है, ठीक है? But code आपको ये enter करना है to unlock the free resources. Test series भी चलती है वहाँ पे free, ठीक है? तो वो आप सब देख सकते हो वहाँ पे. अगर आपको इंटरफेस अच्छा लगता है, आपको लगता है कि 1000 rupees अ मंथ पे करके अगर आपको ये सारे सब्जेक्ट्स बेस्ट एजुकेटर से प्रॉपर बैचेस में मिल रहे हैं, तो आप इसकी प्लस सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो. सेम कोड आप यूज करोगे दिस AL coders ओनली टू गेट अ 10% डिस्काउंट. सो 10% डिस्काउंट के बाद ही आपको 1000 से 1200 रुपये महीना पड़ता है, ठीक है? इफ यू टेक 6 to 9 months सब्सक्रिप्शन, एक साल की तो वैसे कोई पॉइंट नहीं है लेने का, बट 1 year और ज्यादा कम होता है. बट आप एक साल का क्या करोगे अभी, सो दैट इज अप टू यू. आप जो लेना चाहते हो वो ले सकते हो, राइट? अदरवाइज मत लो अभी MCQs की प्रैक्टिस के लिए. अगर आपको लगता है आपका सिलेबस हो गया है और आपको सिर्फ MCQ की प्रैक्टिस करनी है, तो कुछ नहीं करना आपको. हर थर्सडे और सैटरडे, ठीक है, एवरी थर्सडे एंड आज क्या है, थर्सडे है ना, हाँ, तो आज से शुरू है. हर थर्सडे और सैटरडे 3:30 बजे आपकी क्लास होगी, ठीक है? सो एवरी थर्सडे एंड सैटरडे, हफ्ते में 2 दिन है, फ्री क्लास है, कुछ पे नहीं करना, ठीक है? सिर्फ अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करनी है. आपको क्या करना है, यहाँ पे मेरी प्रोफाइल पे जाना है, इधर आपको एक फॉलो बटन दिख रहा होगा, तो आप उस फॉलो बटन पे क्लिक करेंगे तो आप मुझे फॉलो कर लेंगे और आप हमारी इस 10,000 की फैमिली में ऐड हो जाएंगे ताकि ये आगे बढ़ सके, राइट? सो यू आर गोइंग टू कम एंड फॉलो मी ओवर हियर. उसके बाद आपको जो क्लास है उसका लिंक मैं टेलीग्राम ग्रुप पे दूंगी. टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? अदरवाइज आप मेरी प्रोफाइल में भी अगर स्पेशल क्लासेस पे जाओगे, जैसे यहाँ लिखा है ना स्पेशल क्लासेस, तो यहाँ पर ये सारी क्लासेस जो दिख रही हैं ये हो चुकी हैं. जैसे कि अभी हमने केस स्टडी बेस्ड MCQs किए थे डेटा विजुअलाइजेशन के ऊपर, मतलब आपका मैटप्लॉटलिब के ऊपर. आपका मिस हो गया, अब आप देखना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस पर क्लिक करो, इस पर क्लिक करो. अगर आपने ऑलरेडी एक बार कोड डाला हो, एक ही बार डालना होता है, वो हर बार नहीं डालना. जब पहली बार खोलोगे तभी आपको वो कोड इनपुट करना है. योर क्लास विल स्टार्ट, ठीक है? सो योर क्लास विल स्टार्ट और आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो. ये रिकॉर्डिंग आप क्लास की देख सकते हो. ये सारे MCQs हैं,
बहुत ही इंटरेक्टिव इंटरफेस होता है आपके सामने स्क्रीन पे ऑप्शंस आती हैं यू क्लिक ऑन द ऑप्शंस एंड देन यू कैन डू राइट सो आप ये लाइव क्लासेस मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो आप यहाँ पे मुझसे डाउट्स पूछ सकते हो आई विल आंसर योर क्वेरीज ठीक है आपके पास कोई क्वेश्चन है आपको समझ नहीं आ रहा है आप उसकी पिक्चर क्लिक करके यहाँ अपलोड कर सकते हो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हो एंड दिस इज एब्सोल्युटली फ्री ठीक है सो कोई हिडन कॉस्ट नहीं है एब्सोल्युटली फ्री है सो डू ज्वाइन दीज अगर आप लाइव ज्वाइन करते हो बहुत अच्छी बात है अगर आप किसी वजह से लाइव ज्वाइन नहीं कर पाते हो आप रिकॉर्डेड देख सकते हो मोर ओवर क्लास के बाद आप यहाँ व्यू पीडीएफ पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको पीडीएफ डाउनलोड करने की ऑप्शन भी मिल जाती है सो विद एनोटेशन विदाउट एनोटेशन इफ यू वॉन्ट की मैंने जो लिखा है वो साथ में डाउनलोड हो तो आप विद एनोटेशन डाउनलोड करेंगे अगर सिर्फ क्वेश्चन चाहिए तो विदाउट एनोटेशन डाउनलोड करेंगे सो यहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो राइट आई होप आई हैव मेड माईसेल्फ क्लियर आपको समझ आ गया अब कंफ्यूजन नहीं होगी अब कोई बच्चा मुझे ये नहीं कहेगा कि मैम प्लीज यूट्यूब पे करा दो अनअकैडमी से हमसे होता नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको अनअकैडमी ओपन करने में कोई प्रॉब्लम आएगी फाइन सो आप उसको ओपन कीजिए आज की आज 3:30 बजे क्लास है ठीक है 3:30 बजे क्लास है हमारी जिसमें हम फर्स्ट कंप्लीट सिलेबस एमसीक्यू करने वाले हैं पूरा सिलेबस ठीक है So I'm going to give you complete syllabus MCQs and that too on the basis of term 1 syllabus की marking. कि देखो आपके पास जो series है उस पर आपको आएगा आप लगा लो 5 से 7 number के question. ठीक है फिर उसके बाद आपके पास आता है data frame. ये सबसे ज्यादा है इसमें around 15 marks तक के question आपको आ सकते हैं And then comes your matplotlib. जिसमें again 5 से 6 number का question बनता है सो 5-5 लगा लो सीरीज और मैटप्लॉटलिब के जिधर एक आधा इधर ऐड होगा इधर से एक आधा कम हो जाएगा सो दैट इज हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन वुड बी फॉर द 25 मार्क्स एंड 10 नंबर का आपका सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स होगा ठीक है सो इसी बेसिस पे आपका सारे के सारे बनाए जाएंगे तो आप एक ये कर लो कि 35 एमसीक्यूज होंगे हर क्लास में ठीक है 35 एमसीक्यूज होंगे हर क्लास में और वो एमसीक्यूज आपके इसी मार्किंग स्कीम के ऊपर बनाए जाएंगे तो एवरी क्लास इज गोइंग टू हैव 35 क्वेश्चंस एंड पेपर समझ के करना है इसको डोंट मिस इट जैसे ही सीबीएसई का सैंपल पेपर आ जाएगा हमारे पास और बेटर आइडिया हो जाएगा कि सीबीएसई किस तरह से प्लान कर रही है बट अभी तो दिस इज एज पर माई एक्सपीरियंस कि सीबीएसई को कैसे प्लान करना चाहिए बाकी देखते हैं आगे क्या होता है बट आज से हम शुरू कर रहे हैं और याद रखेंगे आप हर थर्सडे एंड सैटरडे Every Thursday and Saturday, 3:30 to 4:30. So 3:30 to 4:30 PM, आप मेरे साथ लाइव रहेंगे अन अकेडमी पे ठीक है जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है देखो आपका पेपर होने तक कम से कम 16 क्लासेस हो जाएंगे सो 16 पेपर अगर आपने एक बार कर लिए तो भैया उसके बाद क्या ही एमसीक्यू आ जाएगा ना कोई और चाहे केस स्टडी बेस्ड हो चाहे असर्शन बेस्ड हो चाहे दूसरा हो क्या बना लेंगे और हमने हर तरह का एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिया होगा तब तक सो डोंट मिस एनी सिंगल क्लास अगर आप सच में दिल से 35 में से 35 लाना चाहते हो लेकिन अगर सिर्फ चाहते हो और मेहनत नहीं करना चाहते फिर मत अटेंड करो लेकिन अगर मार्क्स लाना चाहते हो और मेहनत करने का जज्बा है मेहनत करने की हिम्मत है तो लाइव क्लासेस अटेंड करो अगर नहीं है हिम्मत तो भैया फिर 35 सिर्फ सपने में ही देखो सच में तो आएंगे नहीं है ना सो दैट इज इट जो मैं आपके लिए कर सकती हूँ वो मैं कर रही हूँ बाकी आपको अपने लिए खुद करना है अपने लिए खुद तभी करेंगे जब आप ज्वाइन करेंगे ठीक है रेस्ट इज ऑल अप टू यू एंड या दैट इज इट फॉर दिस वीडियो किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन दिमाग में हो कोई डाउट हो फील फ्री टू आस्क राइट इन द कमेंट्स बिलो या फिर आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हो या फिर किसी भी लाइव क्लास में आकर पूछ सकते हो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो ऑल द वेरी बेस्ट वी आर स्टार्टिंग इट फ्रॉम टुडे एंड आई होप कि ये सब सीरीज आपके लिए बहुत 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 ज्यादा यूजफुल होने वाली है Thank you.